अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम, यस यस मैम। मैम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? कुछ समझ नहीं आई प्रीवियस लेक्चर्स में से। नो मैम, माइक माइक क्रीप करें, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ठीक आ रही है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम आज लास्ट लेक्चर है ना? आज लास्ट लेक्चर है, लेकिन आप में से किसी को कोई लेक्चर जो मुश्किल लग रहे हैं या कुछ रिपीट है, तो फिर अगली दो क्लासेस रख लेते हैं मिड से पहले, रिवीजन क्लासेस, जिसमें कोई चीज आपने कोई टॉपिक समझना है तो वो मुझे बता दें, फिर वो हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है? ओके मैम। आज हमने तीन चीजें पढ़नी हैं, तीनों बहुत इजी हैं। हेलियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम, तो व्हाट इज हेलियोथेरेपी और कैसे होती है, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन क्या होती है, और रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं रेड फ्लैग्स के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। नाउ व्हाट इज हेलियोथेरेपी? हेलियोथेरेपी इज द यूज ऑफ नेचुरल सनलाइट फॉर द ट्रीटमेंट पर्पजेज। ठीक है, जो नेचुरल एक ट्रीटमेंट है, इसको फोटोथेरेपी भी कहते हैं, इसको सनलाइट थेरेपी भी कहते हैं, सन थेरेपी भी कहते हैं, बिकॉज सनलाइट से, या फिर जो सनलाइट की तरह की कोई रेडिएशंस हो जो सनलाइट के स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं, उससे जो ट्रीटमेंट होती है दैट इज नोन एज हेलियोथेरेपी। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद हॉट एयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोना बाथ। बहुत कॉमन होता है, यहाँ पे हमारे एरियाज में इतना कॉमन नहीं है, ये ज्यादा जो है यूरोप साइड पे और जो कोल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे ये ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। यहाँ पे तो वैसे ही वेदर बहुत ज्यादा हॉट होता है। ड्राई हॉट एयर बाथ, ड्राई हॉट एयर बाथ भी से कहते हैं। एडमिनिस्टर्ड इन अ वुडन चैम्बर, अ हॉट ओवन इज यूज इन साइड विद स्टोन आर प्लेस टू अलाउ द हीट। ठीक है, एक ओवन होता है, बेसिकली एक रूम है, एक उसमें एनक्लोज हो जाता है पर्सन, और वहां पे अंदर ओवन लगा होता है और स्टोन्स होते हैं। जब वाटर या स्टीम होता है, जब वो बॉयल होता है स्टीम, तो स्टीम ऑब्वियसली वेट एयर प्रोड्यूस करता है। स्टोन्स का या वुडन रूम चैम्बर का मकसद ये होता है कि वो जो वेट एयर है या मॉइस्चर है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, और ड्राई एयर जो है वो पेशेंट तक या पर्सन तक ड्राई एयर जाए। वाटर इज पोर्ड टू प्रोड्यूस स्टीम इन शॉर्ट बर्स्ट, द वुड एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड रिस्टोर्स द ड्राइनेस इन द चैम्बर। इसीलिए वुड का चैम्बर यूज होता है, ताकि वेट जो आपका मॉइस्चर है वाटर की स्टीम की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाए। नाउ 60 to 90 degrees centigrade विद 5 to 10% ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बहुत थोड़ी है, ओनली 5 to 10%, और टेम्परेचर क्या मेंटेन किया जाता है? बिटवीन 60 to 90 degrees सेल्सियस, फ्रॉम 30 minutes to 40 minutes के बिटवीन पर्सन ये थेरेपी कर सकता है। इस तरह का एक चैम्बर होता है वुडन का, और यहाँ पे पेशेंट जो है, पेशेंट है अगर जनरल रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, या फिर जनरल आपकी जो है वेलबींग के लिए पर्सन जो है ये यूज करते हैं। क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या फेजेस होते हैं? दो फेजेस होती हैं इसकी। फर्स्ट इज द स्वेटिंग फेज, सेकेंड वन इज द कूलिंग फेज। इंक्रीज इन जनरल सर्कुलेशन, बॉडी की जनरल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, इससे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं वो रिमूव होते हैं। रिलैक्सेशन, जनरल सेंस ऑफ रिलैक्सेशन होती है एंड जनरल सेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन। अब पैसिव मोशन का मतलब ये है कि यहाँ पे मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मसल्स को पैसिवली मूव किया जाता है। क्यों करते हैं ये सारा अभी हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन होती क्या है। डिवाइसेस होती हैं बेसिकली आर यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉलोइंग द सॉफ्ट टिश्यू सर्जिकल प्रोसीजर और ट्रॉमा। पेशेंट इमोबिलाइज है आफ्टर एनी सर्जरी, आफ्टर एनी ऑपरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर। इमोबिलाइज पार्ट को मूव करना है, आप एक्टिवली मूव नहीं कर सकता पेशेंट, तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन यूज करते हैं, बेसिकली लिम्ब्स का, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, ठीक है। और रिहैबिलिटेशन का फर्स्ट फेज होता है जिसमें हमने पेशेंट को एक्टिवली मूव नहीं कराना, तो उसको पैसिवली मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। द गोल्स ऑफ फेज वन रिहैबिलिटेशन आर टू कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव पेन,
रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. हमेशा सर्जरी के ऑपरेशन के बाद वो जो साइट होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है, ठीक है, पेन होता है. उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए प्रोवाइड्स पैसिव मोशन इन अ स्पेसिफिक प्लेन ऑफ मूवमेंट. कोई भी एक प्लेन है, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, एक तरह से एक प्लेन में मूवमेंट होती है लिम्स की. प्रोटेक्ट द हीलिंग रिपेयर ऑफ टिश्यू. इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसमें आपकी लिम प्लेस कर देते हैं. इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन CPM डिवाइस, ठीक है. और ये जो है अप डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट, जिस प्लेन में हम सेट करते हैं उस प्लेन में एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है आपकी लिम की. CPM इज कैरिड आउट बाय अ CPM डिवाइस व्हिच कॉन्स्टेंटली मूव्स द जॉइंट थ्रू अ कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन. द एग्जैक्ट रेंज इज डिपेंडेंट अपॉन द जॉइंट, बट इन मोस्ट केसेस द रेंज ऑफ मोशन इज इंक्रीज ओवर टाइम. एग्जैक्ट रेंज जो है वो जॉइंट पे डिपेंड करती है कि उस जॉइंट की ROM है कितनी. अब नी पे आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो कर सकते हैं काफी डिग्रीज तक, लेकिन आप लैटरली नी को मूव नहीं कर सकते. इट्स ओनली फ्रॉम 5 to 10 डिग्री, ठीक है. तो उसकी जॉइंट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी मूवमेंट हो सकती है ऑन अ पर्टिकुलर जॉइंट. CPM इज यूज फॉलोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव जॉइंट सर्जरी सच एज नी रिप्लेसमेंट एंड ACL रिकंस्ट्रक्शन. ACL क्या होता है? Anterior cruciate ligament of knee. जी बच्चे? Anterior cruciate ligament. Anterior cruciate ligament है जो anterior ligament. इसकी जो injury है बहुत common होती है in the sports persons. जो athletes होते हैं उनमें knee में जब भी किसी ligament की injury होती है most probably आपकी cruciate ligaments का tear हो जाता है. अगर जो माइनर इंजरी होती है तो वो फिजियोथेरेपी के लिए भी लिगामेंट की रिपेयर हो जाती है. अगर मेजर इंजरी हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट टेयर आ जाता है लिगामेंट का, तो पहले उसकी सर्जरी होती है, ठीक है, ACL रिकंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं. ऑर्थोपेडिकली उसकी सर्जरी की जाती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी इज अ मस्ट, ठीक है. इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एडिंग जॉइंट रिकवरी आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट सर्जरी इज परफॉर्म्ड, ठीक है. जॉइंट रिकवरी को हेल्प करता है कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्जरी हुई है और कौन से जॉइंट की हुई है, कितना वो जॉइंट मूव कर सकता है, फिर आप उसकी कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन कराते हैं. मोस्ट प्रोबेबली लिम्स की, अपर या लोअर लिम की. अब अगर आपकी स्पाइन में इंजरी हो जाती है तो फिर कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन की डिवाइसेस यूज नहीं की जाती वर्टिब्रा के लिए, लेकिन लिम्स के लिए यूज करते हैं इसको. One mechanism is the movement of synovial fluid to allow for better diffusion of nutrients into damaged cartilage and diffusion of other materials out, such as blood and metabolic waste products. एक mechanism आप इसका क्या है, क्यों करा रहे हैं passive motion? बताएं. Passive motion अगर post operative है, patient को plaster of Paris लगा है उसके पाँव में, उसके knee में. मैं वो actively नहीं कर सकता इसलिए. सिर्फ अगर नी पे प्लास्टर है ना बच्चों, तो आपको कहा जाता है कि अपने हिप पे और एंकल पे मूवमेंट करें एक्टिवली, ताकि जो आगे पीछे के जॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट मूव करते रहे, कॉन्ट्रैक्चर उनमें ना बन जाए. एल्बो पे आपके फ्रैक्चर है, रिस्ट पे फ्रैक्चर, आपको कहेंगे फिंगर्स की, एल्बो की, शोल्डर की मूवमेंट करते रहें. अच्छा, अब ये होता है, एक ये भी इसका बेनिफिट बताया हुआ है कि जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट के अराउंड होता है, ठीक है, जो जॉइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है साइनोवियल फ्लूइड, उसमें न्यूट्रिएंट्स की बेटर डिफ्यूजन हो जाती है जब उसके मसल्स की मूवमेंट होती है, चाहे पैसिव मूवमेंट ही क्यों ना हो. एक्टिव मूवमेंट से बहुत अच्छी डिफ्यूजन होती है, बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेट्स ज्यादा रिमूव होते हैं, बट स्टिल पैसिव मूवमेंट से कहीं ना कहीं फायदा होता है. बिल्कुल इमोबिलाइजेशन से तो फिर वहां पे ना ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, ना न्यूट्रिएंट्स, ना वेस्ट और ब्लड जो है वहां से मूव आउट करता है. अनदर मैकेनिज्म इज द प्रिवेंशन ऑफ फाइब्रस स्कार टिश्यू फॉर्मेशन इन द जॉइंट व्हिच टेंड्स टू डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन फॉर अ जॉइंट. सेकेंड उसका बेनिफिट ये है कि वहां पे फाइब्रस स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, मूवेबल स्कार बनता है. जितना स्कार मोबाइल होता है जो एक किसी भी इंजरी की साइड पे, ट्रॉमा की साइड पे, सर्जरी की साइड पे बाद में स्कार बनता है, ठीक है, वो स्कार जितना मोबाइल होता है उतनी अच्छी हीलिंग होती है, ठीक है.
तो वहां पे फाइब्रस स्कार की फॉर्मेशन जो है बेटर होती है, और फाइब्रस स्कार जो है वो बनता है तो उसकी वो बिल्कुल एक सॉलिड स्कार नहीं होना चाहिए, वो जितना मोबाइल होगा उतनी ज्यादा वहां पे हीलिंग आएगी. विच टेंड्स टू डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन फॉर अ जॉइंट. वही बात है कि अगर फाइब्रस स्कार जो है वो थिक है, रिजिड है, तो वहां पे रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होगी. ठीक है, वो उस जॉइंट की मूवमेंट लिमिट कर रहा होगा स्कार. लेकिन अगर जो वो मोबाइल है स्कार, वो मूवेबल है, प्रिवेंशन हो रही है वहां पे एक थिक स्कार की बनने से, तो फिर रेंज ऑफ मोशन जॉइंट की बेटर रहेगी. इस तरह का जिसका हमने पहले देखा, इस तरह का सेटअप होता है, और जो भी लिम है, जो भी हमारी डिजायर्ड एरिया है जिसे मूव करना है, वो डिवाइस में फिक्स करके किसी भी प्लेन में उसको उसकी मूवमेंट कराई जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ डिवाइस. अगेन दिस इज नॉट डन मैनुअली. ठीक है, सीपीएम जो है यहाँ पे मैनुअली नहीं करा रहा फिजियोथेरेपिस्ट, डिवाइस असिस्टेड है. ये थी आपकी कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन और उसके बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं. नेक्स्ट इज द रेड फ्लैग साइंस. रेड फ्लैग साइंस, हम रेड फ्लैग्स में पहले भी बता रहे हैं. मैम आपकी आवाज आ रही है? नो मैम, मैम सही आ रही है, उसका नेट स्लो है. अच्छा, रेड फ्लैग्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि रेड फ्लैग्स जो होते हैं ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हमने ट्रीट नहीं करना होता. ठीक है, आपने उनकी हिस्ट्री से पता लगाना है कि पेशेंट जो है ये ट्रीटेबल है या इसको हमने इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए ट्रीट नहीं करना, और इसको हमने रेफर कर देना है टू सम अदर फिजिशियन, या फिर वो अपना पहले जो भी उसका प्रॉब्लम है वो क्लियर आउट करके उसके बाद आपके पास आए. इलेक्ट्रो बेटा, क्लास तो कब से स्टार्ट हुई, आधा पढ़ लिया हमने. Clinical findings that increase the level of suspicion that there is a serious medical condition presenting as a common non-serious musculoskeletal condition are commonly described as red flags. अब ऐसी clinical findings, ऐसी history patient की जिसमें आपको suspicion हो कि यहाँ कोई serious medical condition है, कोई serious problem है, लेकिन patient आपके पास आ गया है कि जी मुझे बस टांग में दर्द है. ठीक है, आप मुझे ट्रीट कर दें, मुझे फिजियोथेरेपी बता दें, मुझे कोई मशीन लगा दें, लेकिन आपको पता लगाना है, आपको सस्पिशन हो रहा है उसकी हिस्ट्री से कि दैट देयर इज सम काइंड ऑफ सीरियस मेडिकल कंडीशन, बट द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग एज कॉमन एंड नॉन सीरियस मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के साथ. ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ऊपर लिखा हुआ है सीरियस मेडिकल कंडीशन और नीचे लिख दिया नॉन सीरियस. ठीक है, तो वो आपके पास क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ही डजंट थिंक दैट ही इज हैविंग एनी काइंड ऑफ सीरियस एलमेंट. Some patients know that they are suffering from some kind of tumor या some kind of cancer, कि उनकी physiotherapy नहीं हो सकती, फिर भी वो आ जाते हैं, वो आपको खुद बता देंगे. बाकी patients की history taking से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये red flag है, इसको आपने treat नहीं करना. How old were they when the pain began? An age of onset of pain of less than 20 years or more than 55 years. ठीक है, अगर पेन जो है 20 इयर्स से लेस एज में सडनली स्टार्ट हो गया है, ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, ठीक है, और 55 इयर्स से ज्यादा के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि दो एक्सट्रीम्स हैं कि लेस देन 20 एंड अबव 55, तो उन पेशेंट्स को आपने उनकी हिस्ट्री अच्छे से लेनी होती है. रीसेंट हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंट ट्रामा, कोई रीसेंट हिस्ट्री तो नहीं है फ्रैक्चर या ट्रामा की. अनआइडेंटिफाइड डिजीनेस, उसको पेशेंट जो है वो कहता है कि जी मुझे चक्कर आते रहते हैं, डिजी रहता हूं मैं, लेकिन मुझे जो है समझ नहीं आ रही, द डॉक्टर्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग एंड आई कैन नॉट टेल कि मैं क्यों डिजी हूं. ठीक है, आप ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते हो. कॉन्स्टेंट प्रोग्रेसिंग एंड नॉन मैकेनिकल पेन विच इज नॉट रिलीव विद बेड रेस्ट. अब आपके पास एक 15 साल की लड़की आई है एंड शी इज सेइंग कि शी इज हैविंग पेन इन हर शोल्डर, ठीक है, एंड इट इज नॉट बीइंग रिलीव्ड बाय बेड रेस्ट. आप उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हो, आप उसकी एज फैक्टर देखते हो कि तो एज बहुत कम है, बेड रेस्ट से ठीक नहीं हो रहा, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, कोई ड्रेनेज तो नहीं है, कोई उसको ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अब तो बहुत छोटी एजेस में हो रहा है. ठीक है, तो पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसको आपने कंसिडर करना है एज अ रेड फ्लैग अनलेस द हिस्ट्री बिकम्स क्लियर, जब तक वो अपने बाकी टेस्ट करा के नहीं आ जाते. थोरेसिक स्पाइन पेन, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये दोबारा से
ग्रो कर जाते हैं. एक दफा अगर रिमूव कर दिया ट्यूमर देन देर इज द चांस ऑफ इट्स ग्रोइंग बैक. बेटा ये एसी उनसे कहें चला दें, बहुत गर्मी हो रही है. ठीक है, ट्यूमर्स जो हैं वो दोबारा से डीग्रो कर जाते हैं या उनकी पास्ट हिस्ट्री है कि पहले ट्यूमर था, अब ठीक हो गई, अब इलाज करा के आई हैं, फिर भी कहीं पेन हो रहा है तो मे बी वो दोबारा ग्रो कर गया. और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस, चेंजेस इन बोन इंटीग्रिटी, लिवर फंक्शन एंड अदर बॉडी सिस्टम्स. कोई ड्रग अब्यूज के पेशेंट हैं, इम्यूनोसुप्रेसेंट्स जो हैं वो पेशेंट कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई एचआईवी तो किसी पेशेंट को रिस्क है, कोई ड्रग अब्यूज के पेशेंट जो होते हैं दे आर ऑलवेज एट रिस्क ऑफ एचआईवी. सिस्टमिकली अनवेल, जिनके मल्टी सिस्टम ऑर्गन जो डैमेज हो, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है, सडन वेट लॉस स्टार्ट हो गया पेशेंट को, वाइड स्प्रेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम. कॉडा इक्वाइना क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? ठीक बता रहे हो. स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड होता है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड कर रहा होता है, वो हॉर्स शू की तरह की, हॉर्स टेल की तरह की स्ट्रक्चर्स वहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं सारी, जिनको हम कहते हैं कॉडा इक्वाइना. ठीक है, कॉडा इक्वाइना फिर एक सिंड्रोम हमारे पास आता है जिसमें हमारे पास लेग्स में और पेरिनियम के एरिया में नमनेस और एनल्जीजिया हो जाता है. ठीक है, ये अब आगे हम देख भी लेते हैं. नहीं चल रहा, structural deformity, fever and night sweats, patient का uncontrolled fever है, उसको night sweats हैं, general health आपने पूछना है कि do you have any other medical condition, how is your general health, this is a question you ask to every patient. Investigations आपने देखी हैं कि उसके पास कौन कौन से scans हैं, x-ray है, MRI है, CT है, changes in the bladder or bowel disturbance, particularly urinary retention and fecal incontinence. कि पेशेंट जो है वो कहीं इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट तो नहीं है, उसके बाउल और ब्लैडर जो है उनकी प्रोग्रेस कैसी है, उनकी वर्किंग कैसी है. कॉडा इक्विना साइंस या कॉडा इक्विना सिम्टम्स क्या होते हैं? कि नमनेस होती है अराउंड द एरिया ऑफ एनस एंड लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल. लुकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीरियस पैथोलॉजी, कॉन्स्टेंट पेन है. सीरियस पैथोलॉजी की तरफ कौन सी चीजें हैं जो आपको सीरियस पैथोलॉजी की तरफ लेके जा रही हैं? Constant pain, pain that is not related to movement, presence of severe spasm, morning stiffness lasting more than 30 minutes, presence of severe night pain, presence of night sweats, history of cancer, recent fracture or trauma. Saddle anesthesia. अब saddle anesthesia क्या होती है ये भी आगे explain किया हुआ है अंदर से. देख लेते हैं इसको भी. Lower extremity, neurological deficit. Unexplained weight loss, no relief from bed rest, unusual bleeding or discharge, thickening or lump in the breast area or elsewhere in the body, insidious onset. Insidious onset मतलब कि अचानक से start हो गया without any underlying cause. Age is less than 20 or greater than 55 years. Non-dermatomal symptoms. Glove or sleeve or stocking like distribution. कि आपकी जो है dermatomal, dermatomes क्या होते हैं? मैम स्किन में जो स्पेसिफिक. हाँ जी बेटा. यहाँ पे नर्व जाती हैं. मैम ये मसल्स में. Your point. बेटा एक बच्चा बताए ना, समझ नहीं आ रही. मैम जो नर्व सप्लाई होती है स्पेसिफिक स्किन के पार्ट. बेटा अ सिंगल स्पाइनल नर्व स्प्लाइंग स्किन एरिया, एक स्किन का एरिया है, उस एरिया को जो एक सिंगल स्पाइनल नर्व स्प्लाई कर रही है दैट इज द डर्माटोम. ठीक है, ग्लव या स्लीव या स्टॉकिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के उसके किसी एक पर्टिकुलर डर्माटोम में जो है, अगर एक पर्टिकुलर डर्माटोम में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी उस स्किन के उस एरिया में जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है. लेकिन नॉन डर्माटोमल सिम्टम्स में ये होता है कि वो उसको जो है कभी किसी पूरे हाथ में, पूरे स्लीव में, उसको लगता है कि मेरी पूरी टांग में, स्टॉकिंग में, ठीक है, जैसे कि स्टॉकिंग्स पहनते हैं पूरी सॉक्स ऊपर तक, तो उस एरिया में जो है उसकी नमनेस और टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी डर्माटोम्स इन्वॉल्व्ड. एटैक्सिया ड्यूरिंग गेट. एटैक्सिया क्या होता है? एब्नॉर्मल गेट.
ड्यूरिंग गेट एंड क्लम्सीनेस विद अपर एक्सट्रीमिटी टास्क, चलते हुए उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, और अपर एक्सट्रीमिटी से जब वो अपने हैंड से या फिर अपने अपर लिम से कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो तब भी वो क्लम्सी होता है पेशेंट. वो अगर उसको आप कहते हो कि कोई चीज पिक करे तो वो उसको डायरेक्टली पिक नहीं कर सकता, बैलेंस प्रॉब्लम आ रही है. इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, नर्व रिफ्लेक्सेस हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं, ये सारे इंक्रीज होते हैं. पॉजिटिव वेबनिस्की साइन और क्लोनस. वेबनिस्की साइन क्या होता है? मैम वो जो बेबीज में हम लोग को शार्प एजी जो कोई भी मतलब के लेफ्ट लेटरल साइड के ऊपर हम लोग उसको मैम अगर वो डोर्सी फ्लेक्शन में चला जा रहा है तो नॉर्मल होगा. बच्चों में पॉजिटिव होता है वेबनिस्की साइन, बड़ों में इट इज नेगेटिव. आप पाँव की सोल को लैटरल टू मीडियल थोड़ा सा की से या अपने नेल से स्क्रैच करते हैं तो बच्चों में प्लांटर फ्लेक्शन होती है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव. बड़ों में ये साइन नेगेटिव होता है, अनलेस अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो. अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर बड़ों में भी ये साइन पॉजिटिव हो जाता है. ब्लैडर एंड बाउल डिस्टर्बेंस, सैडल एनेस्थीसिया. Anesthesia means the loss of sensations. Complete loss of sensations is called as anesthesia. And paresthesia kya hota hai? Paresthesia bhi loss of sensation ko kehte hain. Tingling sensation. Usme tingling sensation, pricking sensation, itching, is tarah ki jis tarah jab sciatic nerve compress hoti hai aur commonly har kisi ko experience hoga ki paon sun ho jata hai. Theek hai, that is called as paresthesia. Sedal anesthesia is a loss of sensation restricted to the area of buttock, perineum and inner surfaces of thigh. Buttock, perineum or thigh ki inner surfaces pe jo hai loss of sensation hoti hai, jise kehte hain sedal anesthesia. Ye bhi aapke spinal cord ya cauda equina syndrome mein aata hai ki jab aapka spinal cord ka jo bilkul cauda equina wala part hai wo damage hota hai, wo wali nerve endings damage hoti hain to phir sedal anesthesia ho jata hai. Global progressive upper or lower limb weakness. Nerve root compression के signs आपने कौन से देखने हैं? आपने उसे देखना है कि कहीं dermatomal pain तो नहीं है, किसी एक dermatome के area में pain तो नहीं आ रहा, paresthesia तो नहीं है कहीं पे, उसकी nerve compress हो रही है, nerve के ऊपर pressure आ रहा है तो वो constant उसको paresthesia होता है. Patient कहते हैं जी रात को हमारी बाजू सुन हो जाती है, रात को टांग सोते सोते सुन हो गई है, हाथ सुन हो गए, that is paresthesia. या फिर anesthesia, complete loss of sensation भी हो सकता है. Decreased reflexes. Decreased reflexes कब होंगे? Nerve root compression के केस में. Reduced strength in a myotomal pattern. Myotomes क्या होते हैं? मैम जो nerve innervate करते हैं muscles को. हाँ, group of muscles innervated by a single nerve. मायोटोमल पैटर्न में कोई रिडक्शन आ रही है उसकी मसल स्ट्रेंथ में, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विद स्पाइनल मूवमेंट्स. अगर उसकी पर्सन की स्पाइन मूव करी है या वर्टिब्रा मूव करी है, कोई मूवमेंट हो रही है उसके साथ, उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दोबारा से प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये आपके नर्व रूट कंप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने हेलियोथेरेपी की डेफिनेशन देखी है, सोनाबाद देखा है क्या होता है, कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन क्यों करवाते हैं हम, किन पेशेंट्स में करवाते हैं जो बेड रिडन होते हैं, ठीक है, देन रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, और रेड फ्लैग साइंस के अलावा हमने पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह लेनी है कि हमें पता चले कि दिस इज अ रेड फ्लैग, ताकि आप उसकी ट्रीटमेंट ना करो. दिस वॉज टूडेज लेक्चर. कोई चीज किसी बच्चे को क्लियर नहीं तो बताएं. मैम आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रही हैं, हम रिवीजन के लिए आ सकते हैं अगर कोई लेक्चर हमें समझ नहीं आ रहा तो. बेटा क्लास यूनिवर्सिटी में ही हो रही है. ठीक है मैम, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अब ऐसे है कि हम जूम मीटिंग कर लेंगे, उससे पहले आप मुझे बता दें कि क्या चीज है जो हम रिवाइज कर लें. किसी बच्चे का कोई टॉपिक? जी बच्चों. यस मैम, इनको लेक्चर जो होगा हम आपको क्लास से पहले मेल कर देंगे. चलें फिर बेटा. महनूर आप मुझे मेल कर देना या मुझे बता देना, पूरी क्लास से डिस्कस करेंगे. दो टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट दो तीन क्लासेस में हम वो दोबारा से रिवाइज कर लेंगे. ओके मैम, लेक्चर नंबर 12 और 13 LMS पे अपलोड कर दें. लेक्चर नंबर 11 12 और 13 ये वाला.
बेटा ये तो लेक्चर बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नहीं LMS पे कर देना, मैंने कहा अपलोड अपलोड कर दूं। अच्छा ठीक है ठीक है, अपलोड मैं कर देती हूं। ये है ना, वो मिड के सिलेबस में है ये हेलियोथेरेपी। ठीक है अपलोड मैं कर देती हूं आज। जी बेटा। मैम जो एटैक्सिया हमने पढ़ा था, इसका आपने क्या बताया था? एबनॉर्मल गेट। एबनॉर्मल गेट, गेट आपका जो वॉकिंग पैटर्न है जब वो एबनॉर्मल होता है, बैलेंस नहीं होता, ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस ड्यूरिंग गेट, एट एग्जिट गेट उसे कहते हैं। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, इसके न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। आपके सेरिबेलम में कोई डिफॉल्ट है, सेरिब्रल एटैक्सिया, उसको सेरिबेलर एटैक्सिया कहते हैं। अगर आपकी लोअर लिम में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके मसल्स में आ जाता है, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल एटैक्सिया होता है। बहुत टाइप्स होती हैं इसकी। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए बच्चों ठीक है, क्लियर है लेक्चर? अल्लाह हाफिज़ मैम।